हेलो दोस्तों, वाओ गोवा एपिसोड 3 में आप सभी का स्वागत है। क्या हम गोवा में बिकने वाले चीज़ें यानी बियर, अल्कोहल चीज़ें, उन सबको क्या हम बॉर्डर से बाहर लेकर आ सकते हैं? आ सकते हैं तो कैसे, या फिर आते वक्त चेकिंग पे पुलिस हम ना पकड़ लिए तो क्या होगा? तो फिर आज का ये वीडियो उसी के ऊपर है। तो फिर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कमेंट जरूर कीजिए, और आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो फिर चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहली बात, क्या आप वहाँ से जो अल्कोहल चीज़ें, बियर गियर वगैरह कुछ भी बॉर्डर के आसपास चेकिंग पोस्ट के पास आप लेकर आकर पकड़ ले जाएंगे पुलिस के हाथों आप, तो फिर क्या होगा? 500 रुपये पेनाल्टी पड़ सकती है, 200 पड़ सकती है, या फिर आप सच बोलेंगे हाँ हम लेकर जा रहे हैं, तो फिर वो बॉटल छीन के अपने पास भी रख सकते हैं, या फिर आपको 2 या 3 लेके जाते वक्त छोड़ भी सकते हैं। क्योंकि मैंने मेरे आंखों से देखा है चेकिंग के वक्त कर्नाटका एंड गोवा बॉर्डर के पास 1 या 2 रहता है तो छोड़ देते हैं, कुछ लोग बॉक्स के साथ साथ ही चलते हैं। तो फिर चेकिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गोवा का रूल्स एंड रेगुलेशन ऐसा है कि वहाँ के बिकने वाले चीज़ें जो अन्य राज्य में नहीं जा सकता, तो फिर हमारे कर्नाटका पुलिस हो या फिर गोवा के पुलिस हो, इनका पालन करते हैं। क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन ऐसे है कि वो चीज़ें हम अन्य राज्य में नहीं ले जा सकते, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं वहाँ के जो सस्ते में मिलने वाले चीज़ें जो है लेकर आकर हमारे जो राज्य में रहते हैं उन लोगों को हम बहुत पैसे में उसको सेल करते हैं। इसी वजह से लोगों का जो भी ऐसे नॉलेज है उसके बारे में, तो फिर उनको पता है इतने में मिलता है। अगर पता नहीं रहता तो फिर गोवा से लेके आके जो लोग हैं बाहर में उसे बहुत सारे पैसे में सेल कर देंगे, तो फिर इसलिए पेनाल्टी भी आपको भरना पड़ सकता है जो वहाँ पर चेकिंग होता रहता है। ऐसे लोग बहुत सारे हैं कि गोवा आते हैं और बहुत सारे चीज़ें, काजू वगैरह ये सब गोवा में बिकते हैं, बाहर आते नहीं, उसको भी ले कर आके बहुत सारे पैसों में बेच देते हैं। यही एक जो खास वजह है कि चेकिंग पोस्ट पर पकड़े गए तो आपको पेनाल्टी पड़ेगा, लेकिन लोग उसको पेनाल्टी को भर के वापस उसी पेनाल्टी को अपने साथ साथ जो लोगों को बेचते हैं ना बियर वगैरह कुछ काजू, तो फिर उसी में पैसा निकाल लेते हैं अपना जो पेनाल्टी रहता है। ये फैक्ट है, जो मैंने फैक्ट बताया है इसमें कोई भी यानी किसी का भी उल्लंघन नहीं किया गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कमेंट जरूर करना। ये था मैंने जो देखा था चेकिंग पर उसका इन्फॉर्मेशन, और मेरा जो एक्सपीरियंस था उसके बारे में मैं आज आपको बता दिया। तो फिर आप भी थोड़ा ध्यान रखिए, अगर सच बोल सकते हैं तो बोल सकते हैं मेरे पास एक बॉटल है, एक ए है, तो फिर वो आराम से छोड़ देंगे। अगर आप झूठ बोलेंगे, अगर वो गुस्से वाला निकला, तो फिर आपका क्या होगा मुझे पता नहीं। तो फिर चलिए और एक नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।